सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या रहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट होने का है, जैसे अगर कोई बड़ा सा शिप है वो समंदर से जा रहा है और अगर उसको समंदर पे फ्लोट करना है तो उस शिप को अपने ही वेट के जितना पानी डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यानी जितना भी शिप का वेट है अपने वेट के इक्वल उसको पानी को सेपरेट करना पड़ेगा। और अब वो जो पानी का वेट जो सेपरेट हुआ है, उधर से जो फोर्स एक्ट करेगा उस सेंटर पे, यानी पानी जब सेपरेट हुआ तो एक बॉयंसी फोर्स आ रहा है जो शिप को ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, तो वो जो फोर्स एक्ट करेगा जिस पॉइंट पे उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी। और ऐसा होता है कि जो शिप है उसका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जहां पे टोटल शिप का वेट एक पॉइंट पे हम लोग एक्ट करते हुए दिखाते, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिप का और सेंटर ऑफ बॉयंसी पानी की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो।